दीपमाला तिवारी ने रीवा में खनिज अधिकारी का पद संभालते ही अवैध कामों पर लगाम लगाकर जमकर प्रहार किया। उन्होंने करीब 3 माह में ही गिट्टी बालू से लदे ओवरलोडिंग व अवैध परिवहन करते करीब 45 वाहनों को पकड़कर उनसे 40 लाख से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूल की। तेज तर्रार महिला अधिकारी दीपमाला तिवारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सड़कों के किनारे अवैध रूप से गिट्टी बालू का भंडारण करने वाले 4 जगहों पर भी कार्रवाई की गई। खनिज अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज का परिवहन नियम कानून के साथ करें व वाहन और लोडिंग से संबंधित सभी दस्तावेज साथ रखें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नियमों के अनदेखी कर चलने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रीवा व मऊगंज दोनों ही जगहों पर भ्रमण किया जा रहा है, वाहनों की जांच की जा रही है और नियम विरुद्ध परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 3 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। हम लोगों ने लगभग 45 वाहनों में अवैध परिवहन में जुर्माना वसूल किया गया है, जिसकी राशि लगभग 40 लाख रुपए होती है। सभी जगह कार्रवाई की जा रही है। मऊगंज जिले में भी हम लोगों ने भ्रमण किया है। इसके अतिरिक्त जहां हर्रा और सदरमन एरिया में भी हमारे द्वारा जांच कर कार्रवाई की गई है। अवैध ओवरलोडिंग रेत के वाहनों, मेरी पदस्थापना के बाद से हम लोगों ने लगभग जो है 3 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया है। देखा जा रहा है कि ये तराई अंचल क्षेत्र में यार।